जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे पिछले कई महीनों से प्लानिंग कर रही थी कि अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वंदे भारत ट्रेनें सीसी वाली चल रही है, इनमें दो दो एडिशनल स्लीपर के कोच लगाए जाए। और इस पर काफी मंथन करने के बाद आखिरकार इंडियन रेलवे ने इस प्रपोजल को हरी झंडी दिखा दिया है। मतलब कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस वाली वंदे भारत ट्रेनें हैं जो अभी फिलहाल चल रही है, उन सभी में दो दो स्लीपर के कोच अब भारतीय रेलवे लगाने वाली है। और ये जो ट्रेनें हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाली वंदे भारत ट्रेन, इन सभी ट्रेनों का लिस्ट भी अब जारी हो चुका है। और एक कोच में कितने सीट होंगे, ये स्लीपर के कोच कब से लगने वाले हैं, सारी चीजें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रही एंड तक, और अभी से ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे हमेशा से ही अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश करती रहती है। और नई नई ट्रेनें चलाने के साथ साथ जो ट्रेनें चल रही है पुरानी ट्रेनें, उनमें भी अपने यात्रियों को कंफर्ट दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। और ऐसा ही एक कोशिश वंदे भारत ट्रेनों के साथ अब इंडियन रेलवे करने वाली है। और दोस्तों, इसको लेकर रिपोर्ट भी सामने आ चुका है। और इस रिपोर्ट की माने तो वंदे भारत ट्रेनों में एक एक कर स्लीपर कोच भी जोड़े जाएंगे। इसकी शुरुआत लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेनों में होगी। और इन ट्रेनों में पहले एक से दो स्लीपर कोच अब लगने वाले हैं। प्रयागराज होकर चलने वाली वाराणसी दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में सबसे पहले दो स्लीपर के कोच लगने वाले हैं। यानी कि ये जो फैसला है, ये सबसे पहले वाराणसी दिल्ली वंदे भारत पर ही लागू होने वाला है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के स्लीपर कोच तैयार किया जा रहा है। और इससे पहले दोस्तों, स्लीपर कोच का जो फीडबैक है उसको लेने के लिए अभी चल रही वंदे भारत ट्रेनों में एक से दो स्लीपर कोच जोड़ने की योजना पर रेलवे अभी काम कर रही है। वहीं दोस्तों, बात कर ले कि आखिर कौन कौन सी वंदे भारत ट्रेनें हैं जिनमें दो दो स्लीपर के कोच इंडियन रेलवे लगाने वाली है। तो पहले फेज में टेस्टिंग के तौर पर यह कोच लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेनों में लगाए जाएंगे। जिन ट्रेनों में स्लीपर के कोच लगाए जाएंगे उनमें वाराणसी दिल्ली, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली और नागपुर इंदौर वंदे भारत का नाम यहाँ पर शामिल है। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग फेज में चार वंदे भारत ट्रेनें में जो कि अभी फिलहाल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चल रही है, उनमें दो दो स्लीपर के कोच लगने वाले हैं। ICF चेन्नई में जो कोच अभी बन रहे हैं उनमें से एक एक कर सीटिंग कोच लगाए जाएंगे। इसके किराए को लेकर रेलवे बोर्ड में अभी मंथन चल रहा है कि जो स्लीपर के कोच इसमें लगने वाले हैं वंदे भारत ट्रेनों में, इसका फेयर किस हिसाब से होगा। और इसको लेकर चर्चा है कि अभी फिलहाल चल रही एक्सप्रेस ट्रेनों के AC 2 टियर श्रेणी से वंदे भारत के स्लीपर का किराया कुछ ज्यादा हो सकता है। किराया का जो निर्धारण है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद संबंधित रेल मंडलों को इसको लेकर नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। वंदे भारत के स्लीपर कोच में कुल 51 सीट लगे होंगे। यानी कि इसके ऊपर भी पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि इन वंदे भारत ट्रेनों में जो दो दो स्लीपर के कोच लगेंगे इनमें टोटल 51 लोग सफर कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, बात कर ले नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन की, तो यह हमारे देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और यह हमारे देश में एकमात्र ऐसी वंदे भारत ट्रेन है जिसकी नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच में एवरेज स्पीड 100 km/h है। वहीं दोस्तों, बात कर ले कि ये जो दो दो स्लीपर के कोच लगने वाले हैं ये कब तक हमें इन ट्रेनों में देखने को मिल सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी देश की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है जो कि वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलती है, इसी में सबसे पहले ये दो स्लीपर के कोच लगने वाले हैं। और ये जो स्लीपर कोच लगाने का डेडलाइन है वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में, वो जनवरी 2024 में रखा गया है। मतलब कि यहाँ पर दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और अब से ठीक एक महीने बाद यानी कि जनवरी 2024 में आपको वाराणसी से दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है इसमें दो एडिशनल स्लीपर के कोच देखने को मिलेंगे। इस स्लीपर कोच लगने से जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को और भी ज्यादा आरामदायक यात्रा करने का मौका मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली वंदे भारत ट्रेनें हैं लाइक दिल्ली कटरा वंदे भारत और ऐसे जितने भी वंदे भारत ट्रेनें हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चला करती है लाइक 600, 700, 750 किलोमीटर तक, इन सभी में जो स्लीपर के कोचेस हैं ये अब इंडियन रेलवे लगाने वाली है। और इसे आप एक स्लीपर वंदे भारत का फीडबैक लेने के लिए भी इंडियन रेलवे का टेस्टिंग बोल सकते हैं। और इसके ऊपर दोस्तों, पिछले 8 से 9 महीने से भारतीय रेलवे मंथन करा रही थी और काफी लंबा मंथन करने के बाद आखिरकार ये जो दो दो स्लीपर कोच लगाने का फैसला है इसको यहाँ पर भारतीय रेलवे ने अब ले लिया है। फिलहाल दोस्तों, आप सभी क्या सोचते हैं लगने वाले दो दो स्लीपर कोच के बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।